मैं तिल मावा रोल बना रही हूँ जो काफी हेल्दी है। एक कटोरी भर के तिल लिया है, तिल को मैं रोस्ट कर रही हूँ। हमेशा तिल को धीमी ताप पे रोस्ट करें। अब ये रोस्ट कैसे हुआ कोई पूछेंगे, तो आप ध्यान रखिए, तिल क्रैकल होते हैं, थोड़ा कलर बदल जाता है और हल्के हो जाते हैं, आपको सुगंध से पता चल जाएगा। 10 सेकेंड हो गए हैं, मेरे तिल भून के हो गए, इसे मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। तिल को हमें दूसरे बर्तन में निकालना है, क्योंकि अगर उसी में रहेंगे तो वो काले हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इन्हें हमें ठंडे होने के लिए रखना है, तब तक हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी होममेड मावा है, इसे हम कढ़ाई में निकालते हैं। थोड़ा सा इसे मुझे गरम करना है, ठंड में बाज़ारों में मावा भी अच्छा आ जाता है। अगर आपको घर पे बनाना है तो आप मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, दूध से भी। मावा को हमें धीमे धीमे इसके दूध वाले हिस्से को जलाना है। इन तिल में से मैं आधा कटोरी तिल को निकाल रही हूँ, जो मुझे बाद में चाहिए, और सबको मैं इसी में डाल रहे हैं। लेकिन हमें पल्स मोड पे पीसना है, बहुत नहीं पीसना है, बंद बंद करके। कुछ दाने हैं, कुछ आखे हैं, इसे मैं इसी कढ़ाई में ले लेती हूँ। मावा में से घी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मिठाई को ज़्यादा दिन रखना है तो मावे को एकदम ड्राई रोस्ट कीजिएगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं मावा बन गया है, देखिए, कढ़ाई में गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, मावा गर्म है। उसी वक्त हमें ये गुड़, तिल जितना ही मेजरमेंट में है इसी में डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम बंद, ये खास आप ध्यान रखिएगा, मावा भी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो इसकी चाशनी बन जाएगी। इसे अब हमें कंटिन्यू मिक्स करना है दोनों चीज़ों को। आप गुड़ का पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, लेकिन वो ड्राई रोस्ट होना चाहिए। ये बराबर मिक्स हो गया है। अब इस वक्त हमें इलायची पाउडर और केवल 4 धागे केसर के मैं डाल रही हूँ स्वाद के लिए। ये तिल रखे थे उसे इसी में डाल रही हूँ पूरा। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस वक्त आपको ये पतला लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में जम जाएगा। प्लेटफॉर्म पे उतार लेते हैं, जितना चाहे उतना लीजिए। इसे मैं इसी डो में मिक्स कर देती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से इसके 2 गोले बना लेती हूँ। तिल के पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम इस तरह से तिल को छीट देते हैं। इस रोल को हम इस तरह से हाथों से लंबा बना के, आपको जितनी थिकनेस चाहिए वैसा हम इसके ऊपर रोल करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से फॉइल के साथ लपेटते जाइए, तो आपके हाथों में भी ये नहीं आएगा। इस तरह से हम इस रोल को इस पर लपेट लेते हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से हो गया है। जो एक्स्ट्रा तिल को हम निकाल लेते हैं, फिर इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। खाली ध्यान रहे एयर बबल्स नहीं है, देख लीजिए। इसे मैं अच्छी तरह से दबा के रोल कर रही हूँ। दोनों तरफ से हम टाइट बंद कर देते हैं। टाइट बंद कर दिया है। अब इसे हमें सेट होने के लिए फ्रिज में कम से कम 1 घंटा, बाकी आपके पास जितना समय हो, फिर हम कट करेंगे।
इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। एक घंटे के बाद इस तरह से कुछ ये रोल कड़क हो जाते हैं, इसे हम धीरे धीरे फॉइल पेपर से बाहर निकाल लेंगे। चाकू को साफ करके आपको जिस नाप का चाहिए हम सब इस तरह से मैं काट के रख देती हूँ। पतले रोल चाहिए तो इस डो को आप लंबा और पतला कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। इस रोल को अब हम इस तरह से हम एक एक रोल को अलग करके सर्विंग ट्रे में रख सकते हैं। इस तरह से अंदर से पिस्ता के कतरन भी दिख रही है और बाहर से तिल भी, आपको जिस तरह से सर्व करना है आप कीजिए। ये बाहर 3 दिन और फ्रिज में 8 दिन तक रह सकते हैं। तिल मावा के रोल बनके तैयार है।